गुड मॉर्निंग बच्चों, आप आरसी ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। क्लास नाइन्थ क्लास और फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन नंबर फर्स्ट है और टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब लेसन का नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये कहा गया है कि आपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। अगर हम अपने चारों ओर नज़र को दौड़ाएं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। क्या कहा है कि जिसका आकार और आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने किसका नाम दे दिया, पदार्थ का नाम दे दिया है। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का, जो भी मैंने ऊपर बोली हैं, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं। मतलब बात कहने की है कि वैज्ञानिकों ने इन्हें क्या दे दिया है, खाने पीने की भी, दौड़ने की भी, पेड़ पौधों को भी, तारों को भी, इसको क्या नाम दिया है, पदार्थ नाम दे दिया है किन्होंने, वैज्ञानिकों ने। तो चलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपको बताते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। आपको दे रखा है पदार्थ किसे कहते हैं, वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए, वस्तु स्थान घेर रही है, जैसे आप मेरे पास में ये बुक है तो ये बुक भी स्थान घेरेगी, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो ये क्या कहलाएगा, वह उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे किताब, मेज, कुर्सी आदि। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, ये तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए पहले देखते हैं आप द्रव के बारे में कि द्रव अवस्था होती कौन सी है। वह वस्तु जिसका आकार अनिश्चित, द्रव यानी कि वह वस्तु जिसका आकार तो क्या होगा, अनिश्चित, और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। आकार किसी भी पात्र में डालोगे आप तो उसका आकार तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अनिश्चित ही होगा, और आयतन उसका निश्चित ही रहेगा। तो नेक्स्ट है गैस अवस्था। गैस अवस्था होती क्या है, वह वस्तु जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। गैस अवस्था में वस्तु का गैस अवस्था में वह वस्तु जिसका आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। आकार भी क्या होगा, अनिश्चित होगा, और आयतन भी अनिश्चित होगा, उसे गैस अवस्था कहते हैं, जैसे इत्र हो गया, सेंट हो गया आदि। आपको पता है इत्र किसी सी प्रीसी होगी, क्या हुआ उसका आकार और आयतन, आकार और आयतन क्या हुआ, अनिश्चित ही हुआ। तो ठोस अवस्था क्या होती है, वह वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होती है, निश्चित होती है, आकार भी और आयतन भी। तो यह हो गया आकार और आयतन, इसका क्या हुआ कि आकार भी और आयतन भी क्या हुआ है, इसका निश्चित ही होगा। तो ये कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है, जैसे पत्थर हो गया, कूलर हो गया, मेज हो गई आदि। अगला क्वेश्चन है कि दाब किसे कहते हैं। दाब किसे कहते हैं, गैस अवस्था में कणों की गति, गैसीय अवस्था में कणों की गति अत्यधिक तेज और क्या अनियमित होती है, जिस कारण ये गैसें जिन पात्रों में रखी जाती है उनकी दीवारों पर इन गैसीय पदार्थों के कण लगातार क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। पात्र की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलनांक किसे कहते हैं। गलनांक का मतलब होता है पिघलना। तो क्या होता है कि जिस तापमान पर ठोस पिघलता है या पिघल कर क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर क्या होता है, ठोस क्या होगा, वो भी उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे कि यह मान लीजिए आप ठोस, कोई भी ठोस वस्तु होगी, ठोस वस्तु को कोई भी ले लीजिए आप, तो वो पिघल कर क्या में बन जाती है, द्रव में बन जाती है, जैसे बर्फ ही होगी, बर्फ को आप
थोड़ी देर के लिए रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, वह इसका क्या होगा, गलना कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि कवक नाक किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, कवकनांग कहते हैं। नेक्स्ट है कि उदर उत्पादन किसे कहते हैं, क्या कहेंगे कि द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था कोई लिक्विड है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना यानी कि लिक्विड में बिना परिवर्तित हुए क्या होगा, ठोस अवस्था से सीधे क्या क्या में बन जाएगा गैस और पुनः ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदर उत्पादन कहते हैं। सामान्य दाब, सामान्य दाब किसे कहते हैं कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक क्या होता है, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल होता है जिसे हम सामान्य दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडल का दाब एक वायुमंडल होता है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, किसी द्रव की अपने क्वथनांक से कम दाब पर यानी कि क्वथनांक का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या वाष्पीकरण कहलाती है, जैसे तेज वायु चलने पर या अधिक तापमान होने पर इत्यादि। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं। आज यही समझिए और ये वर्क कर लीजिए सारा।